तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले लास्ट फ्रैक्शन को लिखते हैं। लास्ट फ्रैक्शन है वन एंड टू, देन जितने भी नंबर प्लस हो रहे हैं उनको लिख लिया जाता है। और यहां पे आप देखेंगे सभी जगह वन ही आ रहा है, तो आप लिख लेंगे वन 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 एंड वन 4 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, टू का मल्टीप्लाई वन से प्रीवियस का एडिशन, टू का मल्टीप्लाई वन से करेंगे टू आएगा, उसमें वन जोड़ेंगे थ्री होगा, थ्री का मल्टीप्लाई वन से करेंगे थ्री आएगा, उसमें टू को ऐड करेंगे फाइव हो जाएगा, फाइव में थ्री ऐड करेंगे एट हो जाएगा, एट में फाइव जो ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 13/8, आंसर विल बी 13/8। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पे भी सभी जगह वन नहीं है और यहां पे भी सभी जगह वन नहीं है, तो यहां पे वन वाला हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व चल रहा था आसानी से सॉल्व हो रहा था, ये भी आसानी से सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ चीजों का इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे हम लास्ट फ्रैक्शन को, जो कि है 4y5, तो फर्स्ट नंबर इज 4, सेकंड नंबर इज 5। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे आया 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1 एंड लास्ट में भी 1, ये नंबर लिख लिया जाएगा। और ये नंबर लिखने के बाद आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एंड 4 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9। लेकिन इस बार आप देखेंगे यहां पे 1 1 नहीं है, तो हम ये जो नंबर है उसका इसमें डिवाइड करेंगे, अगले 3 का डिवाइड करेंगे, इस स्टेप में हमारे 2 का डिवाइड होगा और फिर उसके बाद 1 ही है, तो डिवाइड करें या ना करें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा, सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन को लिख रहे थे उसी तरीके से लिखेंगे, 4/5 वैसे ही लिखेंगे 4 एंड 5, उसके बाद हमने 1 2 1 1 ये स्पेस, ये जो स्टेप्स थे वो फाइनल कर लिए, और उसके बाद ये फर्स्ट नंबर अगर कुछ 1 के अलावा कुछ और है तो हम उसका डिवाइड करेंगे, सेकंड स्टेप में इसका डिवाइड करेंगे, थर्ड स्टेप में 1 ही है, डिवाइड करें या ना करें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 का 9 में डिवाइड करेंगे, यहां से 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 बनेगा, 6 में 5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 11/2, 11/2, 11/2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इनेबल 11/2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 11/2 ही आएगा, और उसमें 3 ऐड कर देंगे, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 11 में जुड़ेगा तो ये बन जाएगा आपका 17/2। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा 17/2, 17/2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 17/2 ही रहेगा, और उसमें ऐड कर देंगे 11/2, चूंकि डिनोमिनेटर समान है इसलिए 17 और 11 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28/2, और नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 28/2। सारी जगह फिल हो गई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर यहां पे 1 नहीं है तो केवल स्टेप में इतना करना है कि आपको यहां पे जो नंबर है उसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारा फ्रैक्शन बनेगा 28/17, फ्रैक्शन विल बी 28/17। क्या करना है, सबसे पहले लास्ट फ्रैक्शन को लिखना है जैसे लिख रहे थे उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, बस 4y5 के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें 3 का डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें 2 का डिवाइड करेंगे, और उसके बाद 1 ही है, डिवाइड करें ना करें कोई भी आपको दिक्कत देने वाला नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस फ्रैक्शन यहां से स्टार्ट हुआ है, ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है, बाकी जो भी स्टेप आएगा वो इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला नंबर लिखना है 1 एंड 4, उसके बाद हम जितनी भी जगह है इन नंबर से फिल कर लेंगे, 2 1 एंड 3,
4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8, 8 में 1 ऐड होगा 9 हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 9, 4 ऐड हो जाएगा 13, एंड 13 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 13, 3 जा 39, और 39 में आप 9 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 48, लास्ट नंबर बनेगा 48, और यहाँ पे हमारा ये फ्रैक्शन बनेगा 48/13, ये जो फ्रैक्शन है वो बनेगा 48/13, और ये 13 हमारा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो फाइनल आंसर बनेगा 13/48, 13/48 ये हमारा आंसर होगा, 48/13 आया है लेकिन नीचे, तो जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो 13 पहुंच जाएगा ऊपर, आंसर बनेगा 13/48, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, नीचे से। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला फ्रैक्शन लिखेंगे 1 and 8, उसके बाद ये जो प्लेस है वो फिल कर लेंगे 1, 1 and 3, तो ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो 3 स्टेप में सॉल्व होगा, 8 का मल्टीप्लाई 1 से 8 प्लस 1 9, 9 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 8 17, एंड 17 का मल्टीप्लाई 3 से 51, एंड 51 में 9 ऐड होगा बनेगा 60, आंसर हो जाएगा 60/17, आंसर विल बी 60/17, क्लियर है? ओके सॉरी, आंसर विल बी 60/17 बट नीचे, तो ये बनेगा 60/17, और ये 17 हमारा शिफ्ट बनेगा ऊपर, तो आंसर हो जाएगा फाइनल 17/60, आंसर हो जाएगा 17/60, क्योंकि ये 60/17 नीचे आएगा 60/17, है ना, तो ये 17 फिर कहां शिफ्ट होगा, ऊपर, ये बनेगा 17 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 17/60 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बनेगा 1/60/17, और ये सबसे नीचे वाला कहां पहुंच जाता है, सबसे ऊपर, तो 17/60 हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्या हो रहा है, यहां पे भी नंबर 1 नहीं है और यहां पे एक बार 5 आया हुआ है, तो क्या करेंगे, बड़ा ही आसान है, सबसे पहले लास्ट फ्रैक्शन को लिखेंगे जो कि 1 and 4 है, 1/4 है, तो पहला नंबर 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद हम जो भी स्थान है, एक स्थान 2, अगला 3, अगला 1 एंड अगला 4, ठीक है, अगला नंबर आएगा 4। यहां पर देखिए सभी जगह 1, 1, 1 नहीं है, फर्स्ट नंबर 1 से डिवाइड होगा, फर्स्ट नंबर 1 से डिवाइड होगा, सेकंड नंबर 1 से डिवाइड होगा, ये वाला 1/4 हम पहले ही लिख चुके हैं, इसके बाद वाला नंबर इससे डिवाइड होगा, उसके बाद वाला नंबर उससे डिवाइड होगा, उसके बाद वाला नंबर डिवाइड होगा 5 से, ठीक है? और यहां पर देखिए फर्स्ट में प्लस होना है, सेकंड में भी प्लस होना है, थर्ड में भी प्लस होना है, लेकिन फोर्थ पे होगा माइनस, लास्ट में जाके होगा माइनस, बिकॉज यहां पर चिन्ह है वो माइनस का है, तो ये 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8+1 9, 9 का मल्टीप्लाई 3 से 27, और 27 में 4 जोड़ेंगे 31, 31 का मल्टीप्लाई 1 से और 1 में 9 जोड़ेंगे 40, लेकिन अब ये 5 से डिवाइड होगा तो यहां पे आएगा 8, और 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 32, 32 में से 31 घटाएंगे, यहां पे क्या होगा माइनस होगा, तो 8 का मल्टीप्लाई 4 से 32, और 32 में से 31 घटाएंगे आएगा 1, और बटे में लास्ट नंबर बनेगा 1, और हमारा फाइनल फ्रैक्शन बनेगा, चूंकि लास्ट नंबर 1 है तो 1, और उससे पिछला नंबर 8 है तो ये बनेगा 1/8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी जगह 4, 1, 3, 2 है, सारे स्टेप एक ही कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में सॉल्व किए जा रहे हैं, प्लस 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 देन उसके बाद माइनस, 4, 1, 3, 2 ये नंबर भी अलग अलग और ये नंबर भी डिफरेंट है, 1, 1, 1 के अलावा 5 भी आया हुआ है, दोबारा से एक बार और समझ लेते हैं, फर्स्ट नंबर 1 and 4 रहेगा, उसके बाद 2, 3, 1, 4, फर्स्ट में प्लस, सेकेंड पे प्लस, थर्ड पे प्लस एंड फोर्थ पे माइनस,
मल्टीप्लाई 4 का 2 से 8 प्लस 1 9, 9 का मल्टीप्लाई 3 से 27 प्लस 4 31, 31 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 9 40, 40 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि इसके बाद वाला नंबर 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद वाला 1 से और उसके बाद वाला 5 से, तो यहाँ 5 से डिवाइड होगा तो ये 8 रह जाएगा। और 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 32, 32 में से 31 माइनस होगा बचेगा 1, लास्ट नंबर आया 1 और उससे प्रीवियस नंबर है 8, आंसर बनेगा 1/8। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वैल्यू निकालनी है x की, x का मान निकालना है, चाहे तो आप पूरे फ्रैक्शन को इधर लेके आ सकते हैं या वो भी हमें करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको लिखा रहने दें, और यहां पे लास्ट फ्रैक्शन क्या है, यहां पे लास्ट फ्रैक्शन है 1 और 4, 1 और 4 हमने लिख लिया, इसके साथ ऐड होने वाला है, फर्स्ट प्लेस पे 3 आएगा, नेक्स्ट प्लेस पे 1 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्लेस पे x आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 13 हो जाएगा और उसमें 4 जोड़ेंगे 17, 17 का मल्टीप्लाई x से करेंगे 17x बनेगा और उसमें 13 ऐड कर लिया जाएगा, फाइनल नंबर बनेगा 17x प्लस 13। और आप समझते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है वो होता है फाइनल नंबर 17x प्लस 13 बटे प्रीवियस नंबर 17, और ये बराबर हो जाएगा आपका 2 के। 17 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये 17x प्लस 13 बराबर हो जाएगा 34, और 17x की वैल्यू हो जाएगी 21, 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 21/17, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चाहे तो आप इस पूरे फ्रैक्शन को इधर लाके सॉल्व कर सकते हैं या आपको इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हर बार की तरह ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजिली। 1 और 4 को लिख लिया, जो नंबर हैं वो सारे लिख लिए, और उसके बाद मल्टीप्लाई प्रीवियस प्रोसेस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस करना है, जहाँ पर प्लस है वहाँ प्लस करना है, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। SSC CGL का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे a और उसके बाद लिखेंगे 1 - a, ये लास्ट फ्रैक्शन है, सबसे पहले a उसके बाद 1 - a, फर्स्ट प्लेस पे 1, सेकंड प्लेस पे भी 1 एंड थर्ड प्लेस पे भी 1, ये प्लस होगा, इसके बाद माइनस होगा एंड देन लास्ट में भी क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे a है तो इसमें a से डिवाइड होगा। फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड नंबर आएगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे a है इसलिए यहाँ पे a से डिवाइड होगा, ठीक है। 1 - a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 1 - a का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो 1 - a ही आएगा, और उसमें a जोड़ देंगे तो a जब जोड़ोगे, 1 - a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 - a ही आएगा, और उसमें आप प्लस करेंगे a से a कट जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 होगा, देन माइनस करना है, माइनस करना है प्रीवियस नंबर को, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 होगा, माइनस करेंगे प्रीवियस नंबर को 1 - a, एंड ये ओपन होगा 1 - 1 + a, ये माइनस इसको माइनस करेगा एंड दे माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा आपका 1 1 गया, ये बनेगा a से a कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो 1 होगा, और उसमें प्रीवियस वाला 1 माइनस कर दोगे, ये लास्ट स्टेप हो जाएगा 0, और जब आप 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर भी बनेगा 0, कंप्लीट फ्रैक्शन हो जाएगा 0। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर 1, 2 और 5 आ रहा है एंड यहाँ पर 4, 3 और 1 आ रहा है। सबसे पहले हम इस कंटिन्यूस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे और उसको इसके साथ इजीली सॉल्व कर लिया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है 1 और 2, उसके बाद जहाँ पे भी प्लेसेस
जो भी प्लेसेस हैं उनमें फर्स्ट प्लेस पे आएगा 5, नेक्स्ट प्लेस पे आएगा 2 एंड नेक्स्ट प्लेस पे आएगा 1। और आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस होना है, उसके बाद प्लस है तो प्लस होगा, और उसके बाद भी प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस करना है, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करना है। 1/2 के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा उसमें 3 का डिवाइड होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा उसमें 4 का डिवाइड होगा, क्योंकि यहां पे 1 नहीं है, 3 एंड 4 है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 3 दुनी 6, और इसमें प्लस होगा प्रीवियस नंबर तो ये हो जाएगा 8, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, और इसमें प्रीवियस नंबर 3 है वो जुड़ जाएगा, आंसर बनेगा 5। तो लास्ट फ्रैक्शन 5, सेकंड लास्ट 2, ये बनेगा 5/2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 10 भी कट जाएगा 5 टाइम्स, ये भी बनेगा -5/2। 5/2 में से 5/2 माइनस होगा, आंसर बनेगा 0। तो इस फ्रैक्शन का भी आंसर आया 0। ठीक है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हमारे मेथड सभी जगह लगेंगे, आसानी से आप किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, ये भी CGL SSC CGL का आया हुआ क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले इस वाले स्टेप को इधर सॉल्व करेंगे, इस वाले स्टेप को इधर सॉल्व करेंगे, एंड देन फाइनली कर दिया जाएगा डिवाइड। तो सबसे पहले हम इस वाले स्टेप को फॉलो करते हैं, इस वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है ये 1 के नीचे कंप्लीट है, तो सबसे पहले इतना फ्रैक्शन सॉल्व होगा, और जब इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट नंबर बनेगा 5, नेक्स्ट नंबर बनेगा, फर्स्ट नंबर बनेगा 1, नेक्स्ट नंबर बनेगा 5, एंड जो भी जगह है वो फिल कर ली जाएंगी 5 2 2, 5 2 2। फर्स्ट साइन इज निगेटिव तो निगेटिव आएगा, सेकंड साइन प्लस है, एंड थर्ड साइन भी प्लस है। सॉल्व कर लेंगे, 5 5 25, 25 में से 1 माइनस होगा 24, माइनस होगा क्योंकि माइनस का साइन है। 24 दूनी 48, 48 में 5 जुड़ेगा 53, 53 दूनी 106, और 106 में 24 जुड़ेगा तो हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 130, और यहां पे हमारा फ्रैक्शन बनेगा 130/53। ये वाला कंटिन्यू पूरा फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा 130/53, और हम जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस फ्रैक्शन 1 के नीचे से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये 53 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो अब इधर वाला स्टेप सॉल्व हो चुका है, ये हमारा स्टेप सॉल्व होके आ चुका है 53/130। हम अब इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 1/7 में से 1/7 माइनस होके 0 हो जाएगा, ऊपर बनेगा 2, 3 एंड 1 को जोड़ेंगे 4। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ना मैंने पहले ही सिखाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, 1/2 + 1/7, ये 2/4 + 7 1 + 7 + 2, ये 9 9/14, 14 का मल्टीप्लाई 4 से 56 में 9 जोड़ेंगे, 56 में 9 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 × 14/65, ये 14 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इस डिवाइड को भी हम बना लेंगे मल्टीप्लाई, इस डिवाइड को हम बनाएंगे मल्टीप्लाई, और ये पलट जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 130/53। 65 से ये 130 आप दो बार काटेंगे, ये बनेगा 14 × 28, 28 × 56, नीचे आ जाएगा 53, आंसर बनेगा 56/53। होपफुली क्वेश्चन दिखने में ही बड़ा है, बाकी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना मैंने पहले ही बताया हुआ है, नीचे बनेगा लास्ट भिन्न है 1, लास्ट है 1 एंड 3, जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लेंगे 3 3 एंड 3।
यहाँ सभी पे जगह वन है तो कहीं पे भी डिवाइड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तीन का मल्टीप्लाई तीन से नौ, नौ और एक दस, दस का मल्टीप्लाई तीन से तीस, तीस और तीन तैंतीस, और तैंतीस का मल्टीप्लाई तीन से निन्यानवे, और निन्यानवे में दस जोड़ेंगे 109। तो फाइनली ये फ्रैक्शन बनेगा 109 अपॉन 33। नीचे वाला फ्रैक्शन बनेगा 109 अपॉन 33, ऊपर वाला फ्रैक्शन बनेगा, ऊपर वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, ये 109 अपॉन 33 इधर वाला, इसको सॉल्व कर लेंगे 1 प्लस 11 और 3 का 11 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6 बटे में 33। तो ये बनेगा 1 प्लस 11 में से 6 गया 5 बटे 33, 33 एकम 33 और 5 38 बटे 33। तो फाइनली ऊपर वाला बना 38 बटे 33, नीचे वाला बना 109 बटे 33। तो ऊपर वाला बना 38 बटे 33, नीचे वाला बना 109 बटे 33, 33 से 33 कट जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 38 अपॉन 109। फाइनली द आंसर विल बी 38 अपॉन 109। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको कंटिन्यूस फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आए। सारी कैटेगरीज के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए गए हैं, आप इनको बार बार देखें। कोई भी क्वेरी आए मुझे ज़रूर कमेंट करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपको करना है वो जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो